नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। खबर गोंडा से है, जहां योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिवसीय दौरे पर सोमवार शाम गोंडा पहुंचे, जहां वे दिवंगत बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा के आवास पहुंचे और उनके परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मंत्री का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, जहां पर मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इस दौरान मंत्री ने सकिल हाउस में कृषि अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ विभागीय समीक्षा कर बैठक कर प्रगति रिपोर्ट ली। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिवपाल यादव पर निशाना साधते कहा कि मदरसे उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं, वहां पर भारी अनियमितताएं रहती हैं और समय समय पर हर स्कूल कॉलेज का सत्यापन होता रहता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कटाक्ष कर सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उनका लोकतंत्र से भरोसा उठ चुका है, इसलिए वो विधान भवन के बाहर प्रदर्शन करते हैं, ऐसी बात उन्हें शोभा नहीं देती है। अगर उन्हें कोई बात करनी है तो विधानसभा के अंदर करनी चाहिए। राहुल गांधी की पद यात्रा पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उनकी यात्रा विफल रही है और वो कुछ देर यात्रा करने के बाद एसी कंटेनर से चलते हैं। एसी कंटेनर का खर्च कौन उठा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में जिन जिलों में वर्षा कम हुई है, वहां की फसलों का आकलन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर कम वर्षा से नुकसान हुआ है, अभी कुछ फसल खेतों में लगी है। उन जिलों में जहां कम बारिश हुई है, वहां का आकलन कराया जा रहा है। ऐसे किसानों को सरसों मिनी किट उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे वह तिलहन और दलहन की खेती कर सके। तरीके से शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है कि जो मदरसे पर जो सत्यापन हो रहा है, कहा कि सत्यापन एक नौकरशाही की हेटरशाही है। अगर सत्यापन हो रहा है तो हर विद्यालय का खोल जाएगी, तो मदरसे का सपोर्ट कर रहे हैं। सभी विद्यालयों के सत्यापन होते हैं, मदरसा स्पेसिफिक उनका उनको राजनीतिक संरक्षण रहा है, उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ होती रही और भारी दुरुपयोग होते रहे हैं। वैसे सबका सत्यापन और सर्वेक्षण किया जाता है। निजी स्कूल जो चल रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज या CBSE के, इन सारों का समय संभव होता रहता है और हमारे अधिकारी जाकर उसका निरीक्षण करते हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, कैसे देखते हैं इस यात्रा को, कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव में? मुझे तो लगता है कि वो यात्रा निष्प्रभावी है। उससे बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हमारे गृहमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की, रोजे ही होती रहती हैं। सर, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की यात्रा, 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कंटेनर में सोना, टेंट में खाना, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो। उन कंटेनर को कितना खर्चा किया जा रहा है, कितने करोड़ रुपए का खर्चा है उसके ऊपर, सारे एयर कंडीशन कंटेनर में रहना, सारे उनके साथ के काफिले को रहना, ये कमरा खर्चा है। मंत्री जी, गोंडा में एक बड़ा मदरसा है, घंटे पर यात्रा होती है, बाकी समय घंटे चलते हैं। गोंडा से ओम चंद शर्मा की रिपोर्ट।